हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ब्रेन मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम यहां पे हैं हमारी पूरी टीम के साथ फॉर क्लास सिक्स टू एट यू कैन सी ऑल योर फेवरेट टीचर्स हियर सो जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर येस एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बी पार्ट ऑफ आर फर्स्ट यूनिट विच इज अ वरफुल पोम ऑफ क्लास एट गुलमोह बुक रिमेंबर टूगेदर वी कैन विन नो वी आर गोइंग टू विन ये सो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पोम द लॉस्ट डांसिस ऑफ क्रेन्स द लॉस्ट डांसिस ऑफ क्रेन्स दिस इज अ पोम रिटन बाई जूलियट विल्सन ना द लॉस्ट डांसिस ऑफ क्रेन्स क्रेन्स जो है एक होमोन में जिसके दो मतलब होते हैं एक तो बर्ड होती है जो आपने देखा होगा जो पॉन्स के पास जो है बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो यूजुअली जो है बफेलोस के ऊपर वगैरह बैठी रहती हैं और दूसरा क्रेन होता है जब बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है तब आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं जो चीज़ों को उठा के मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखने के काम आते हैं चढ़ने के काम आते हैं बहुत बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं जो कि यू नो जो आपकी ट्वेंटी स्टोरी बिल्डिंग्स जितना भी ऊपर चले जाते हैं थर्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जितना ऊपर चले जाते हैं सो so, दो मीनिंग है क्रेन्स के जो इस पोम में यूज़ किए गए हैं ये नेचर से रिलेटेड पोम है जहाँ पे जूलियट विल्सन जो है एक तरीके से वो पेंट में है वो बोल रही हैं कि देर वॉज अ टाइम जब हमें इतने बर्ड्स देखने को मिलते थे हम सब कुछ जो है हमारे आसपास नेचर कितना अबंडेंट था और आज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है कि हमें आसपास सिर्फ बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं आज भी नेचर बहुत पसंद है लेकिन शायद हम सिर्फ वीडियोज़ में देख पाते हैं या कि हम कोई वाइल्ड लाइफ की कोई फोटोग्राफी है उसको देख के बड़े खुश हो जाते हैं अरे वाह यहाँ पर ऐसा हुआ करता था कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने बोला ओ वाओ इज अ काउ कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं अरे वाओ अ पिग बिकॉज दे सीन देम जब हम छोटे थे हमारे आसपास हमने यही सब देखा है लेकिन आज उन लोगों के लिए ऐसी चीजें ऑब्जर्व करना बहुत बड़ी बात हो गई है और शायद थोड़े टाइम बाद ये भी डिप्लीट हो जाएंगे सो so, इसी इसी मैसेज के साथ जो है ये जो पोम है ये लिखी गई है जूलियट विल्सन के द्वारा पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे एंड स्टार्ट पोम ओके सो जूलियट वॉज बॉर्न इन मैनचेस्टर एंड स्टडीड इन एडिनबर्ग वेर शी स्टिलीव्स सो वो जो है मैंचेस्टर में पैदा हुई थी प्लस वो अभी एडनबर्ग में रहती हैं वहीं उन्होंने पढ़ाई भी की है शी राइट इन्वामेंटल पोएट्री एंड एडिट्स द ब्लॉग मैगजीन बोल्स ऑफ सिल्क तो ये जो है इन्वायमेंटल पोएट्री लिखती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेचर से रिलेटेड एंड ये ब्लॉग्स लिखती हैं कौन से मतलब एडिट करती हैं ब्लॉग्स बोर्ड्स ऑफ सिल्क मैगजीन के शी हैज हैड ओवर 50 पोम्स पब्लिश्ड इन यूके के पोएट्री जर्नल्स रेगुलरली रिव्यूज पोट्री पब्लिकेशन फॉर न्यू होप इंटरनेशनल ऑनलाइन हैज़ परफॉर्म्ड हर वर्क अराउंड वर्क एंड हैज़ फैसिलिटेटेड वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग एंड रीसाइकल्ड आर्ट तो ये जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से काम करती हैं इनकी फिफ्टी पोम से ज़्यादा पब्लिश हो चुकी है यू के की पोइट्री जर्नल्स में प्लस ये रेगुलरली जो है जो पोइट्री पब्लिकेशंस होती हैं उनको रिव्यू करती हैं किसके लिए फॉर न्यू होप इंटरनेशनल ऑनलाइन इन्होंने अपना जो वर्क है शी हैज़ परफॉर्म्ड हर वर्क अराउंड एडिनबर्ग मतलब एडिनबर्ग के आसपास इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है काफी सारे वर्कशॉप्स लिए हैं क्रिएटिव राइटिंग पे कि राइटिंग कैसे करनी चाहिए तो क्रिएटिव राइटिंग पे आर्ट को रिसाइकिल करने पे इन्होंने काफी सारे वर्कशॉप्स भी लिए हैं एडिनबर्ग के अराउंड दिस पोम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हर कंसर्न एंड एनग्विश ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दी इन्वायरमेंट ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये जो पोम हम पढ़ने जाने वाले हैं उनका कंसर्न और उनका गुस्सा दोनों ही चीज़ इसमें काफ़ी खूबसूरती से नजर आने वाली है जहाँ पर किस तरीके से इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है हम उसकी बात करने वाले हैं बहुत छोटी सी पोम है लेकिन बहुत कम लाइन्स में उन्होंने अपने व्यूज़ को ब्यूटिफुली एक्सप्रेस किया हुआ है नाउ लेट स्टार्ट विद अ Boom. Your fields are empty now, only your ghosts dance, while cranes of another kind dance cities into being. Now here the lady, the poetess is talking to the cranes. We are talking about the birds here. Your fields are empty now. वो फील्ड्स जहाँ पे इतने सारे क्रेन्स दिखाई देते थे इतनी सारी बर्ड्स दिखाई देती थी अब वो फील्ड्स एम्प्टी हैं ओनली योर घोस्ट डांस मतलब अब सिर्फ तुम्हारी मेमोरीज जो हैं वो डांस करती हैं कि यहाँ पे एक टाइम पे इतनी बर्ड्स हुआ करती थी बस अब वही याद रह गया है वाइल क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड अब हम यहाँ पे कौन से क्रेन्स की बात कर रहे हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं क्रेन्स कौन होते हैं यहाँ पे जो क्रेन्स यूज किया गया है लार्ज बर्ड्स विथ लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग नेक्स लेकिन अब जो यहाँ पे बात किया गया है क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड मतलब टॉल मशीन्स विथ लॉन्ग आर्म्स यूज फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट स्पेशली बिल्डिंग मटीरियल्स तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है आपने देखा होगा अगर कोई फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है मेट्रो स्टेशन कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वहां पे बहुत यूज होते हैं कि तुम्हारी फील्ड एम हैं सिर्फ तुम्हारे घोस्ट डांस करते हैं घोस्ट मतलब यहाँ मेमोरीज की बात हो रही है so, लेकिन जो दूसरे तरीके के जो दे डांस सिटीज़ इंटू बीग वो जो है सिटीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दे डांस सिटीज इंटू बींग का मतलब होता है दैट दीज चॉल मशीन्स मूव टू एंड फ्रो वेविंग दे आराम्स मतलब ये जो चीज़ों को मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह इसको वो डांस बोल रहे हैं एंड दस रेज मेनी बिल्डिंग्स टू मेक अ न्यू सिटीज और ये जो क्रेन्स हैं ये ऑल बिल्डिंग्स को रेज कर रहे हैं एक सिटी को डेवलप कर रहे हैं और जो क्रेन्स जो है एक सामान को दूसरी जगह पे रख रहे हैं उसको वो डांस से कंपेयर कर रहे हैं कि यू नो योर फील्स आर एम तुम्हारी तो मेमोरीज डांस करती है लेकिन अब तुम्हारी जगह नए तरीके के क्रेन्स आ गए हैं जो कि मैकेनिकल क्रेन्स हैं और दे आर जस्ट क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स टू फॉर्म न्यू सिटीज ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर अ फीडिंग क्रैकल ऑफ़ योर एनर्जी एंड सम ग्रेनी विडियो फुटेज अब तुम्हारा क्या बच्चा है ऑल दैट रिमेन ऑफ यू अब जो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है वो क्या है अ फीडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी अ फीडिंग क्रैकल ऑफ योर एनर्जी मतलब क्रैकलिंग क्राइज ऑफ द बर्ड्स नाउ फीडिंग ऑन ओल्ड रिकॉर्डिंग्स जैसे आपने कोई वीडियो लिया है या आपने कोई आवाज़ें हैं मूवीज़ में तो बस अब जो वो फीडिंग क्रैकल है तुम्हारी आवाज़ का जो कुछ रिकॉर्डिंग्स में सेव्ड है बस अब वही बचा है एंड सम ग्रेनी वीडियो फुटेज Video footage, मतलब ने कुछ लिए होंगे जहां पर हमें लगता है ओ माई गॉड इतने सारे बर्ड्स इतनी सारी क्रेन्स जहां हमें उन्हें उनकी कुछ ब्लर्ड इमेजेस दिखती है उनकी आवाज सुनाई देती है बस वही बचा है बिकॉज इन रियल देर आर नो क्रेन दैट पीपल इन द न्यू सिटीज वर्ल्ड the the और ये जो वीडियो टेप्स हैं ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं जो सिटीज में जो लोग रहते हैं ना देच इट विद अ मावल मॉवल का मतलब क्या होता है विद अ लॉट ऑफ वंडर एंड एस्टोनिशमेंट वाह ब करती थी वाह इनकी आवाज कितनी अच्छी आ रही है कितनी डिफरेंट दिख रही है एट द वंडर वर्ल्ड वंस हेल्ड ये सारे जो रियल वंडर्स थे ये सारी जो हमारा नेचर हमारा इन्वायरमेंट जो हमारे अराउंड था जो एक टाइम पे हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में था आज जब वो नहीं है तो हम उनकी वीडियोस उनके आ, जो है रिकॉर्डिंग्स देख के एकदम स्टॉनिश हो रहे हैं खुश हो रहे हैं कि वाओ एक टाइम पर हमारा नेचर ऐसा दिखाई देता था बट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वो लोग केयरलेसली सेल्फिशली जो है हमारे आसपास जो नेचर है और इन्वायरमेंट है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं दे आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स दे आर कंस्ट्रक्टिंग न्यू सिटीज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो हर तरीके से पेड़ों को काट दे रहे हैं जिसकी वजह से नेचुरल लाइफ जो है पूरा जो इको सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो गया है और यही जो है हमारी पोइट्स हमें बताना चाहती हैं इस छोटी सी पोम के थ्रू नाउ दैट दोम इज ओवर फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द राइम स्कीम सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ पर हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं राइम स्कीम कैसे देखते हैं जो लास्ट वर्ड्स होते हैं हम उसको अंडरलाइन करेंगे नाव विल सी नाव इसको हम देंगे मार्क एके नाव एंड डांस डू दे राइम नो दे डोंट रो हम इसको दे देंगे बी नाव डांस काइंड नथिंग राइम्स इसको हम दे देंगे सी kind and being does it rhyme no it doesn't rhyme इसको हमने दे दिया मार्क डी तो अभी क्या हो गया हमारे पास आया है ए बी सी डी फ्रॉम द फर्स्ट वन सेकंड हम देख लेते हैं अगर हम यहाँ सेकंड को देखें तो हमारे पास क्या है आ अब यहाँ पे आर जो है किसी से मैच कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा है एनर्जी फुटेज सो so, यहाँ पे एनर्जी फुटेज दर इज नथिंग सो आप इधर देख सकते हो सिटीज मावल वर्ल्ड हेल्थ सो बेसिकली इफ यू कैन सी देर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर पोम सो ये जो टोटल है वी हैव गॉट अराउंड फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस फोर इलेवन लाइन्स ये इलेवन लाइन्स का स्ट्रक्चर है इसका बट देर इज नो राइमिंग स्कीम अब हम देखते हैं इसका थीम क्या है इस पर्टिकुलर पोम का The poem deals with the destruction of environment. इसमें हमने environment के destruction की बात करी हुई है In this poem, the poet, the poet laments at the loss of cranes which she saw dancing in the fields earlier. इस particular poem में जो poet है वो grieve कर रही है Laments का मतलब क्या होता है दुख मनाना grieve करना कि at the loss of cranes, उन birds के लिए जिनको वो एक time पे fields में देखा करती थी अब वो बहुत दुखी हो रही है कि जहाँ पे एक टाइम पे बर्ड हुआ करती थी नेचर हुआ करता था ब्यूटिफुल एनवायरमेंट हुआ करता था अब वो वहां पर क्रेन्स तो देख रही है लेकिन वो क्रेन्स जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं एंड विच आर नॉट एट ऑल यू नो हेल्पिंग द इनवायरमेंट वो सिर्फ इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं नाउ लेट्स कम टू दमरी ऑफ दिस पोम

इन प्लेस ऑफ दीज बर्ड्स इन बर्ड्स की जगह अब दूसरे टाइप केवी ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग मटीरियल और ये जो क्रेन्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो की हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर द टू एंड फ्लो मूवमेंट ऑफ द मशीन्स इज द अदर काइंड ऑफ डांस दैट द पोएट हैज रेफर टू सो so, जो पोइट ने दूसरे टाइप के डांस की बात करी है वो क्या है द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ दीज़ टॉल मशीन्स द बर्ड्स आर फीडिंग क्विकली एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन आर मेमोरीज एंड वीडियो फुटेज ये जो बर्ड्स हैं बहुत जल्दी जो है ये लुप्त हो रहे हैं फेड हो रहे हैं और अब वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है हमारी मेमोरीज में वीडियो फुटेज में रिकॉर्डिंग्स में इट इज एन आयरवनी ये अब एक कितनी बड़ी बात है कितनी अजीब बात है दैट द वंस हु हैव डिस्ट्रॉयड द फील्ड्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ह्यूमंस ने जिन्होंने इन फील्ड्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो वहाँ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करें दे आर वॉचिंग नेचर वीडियोज एंड एन्जॉइंग नेचर इन दिस वे जिन्होंने नेचर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया टू कंस्ट्रक्ट वीडियोस में उस ने देख के जो है जबकि वही है जिन्होंने ना दिस वॉज द समरी नाउ लेट सी द मेसेज दैट दोम वॉन्ट्स टू गिव अस that we get through this poem दिस to save our environment and protect the endangered द so that they don't become just memories. ये हमें पोम क्या मैसेज दे रही है दैट हमें हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना है और जो भी बर्ड्स एनिमल्स जो हैं अब वो इंडेंजर्ड हो गए मतलब जिनकी स्पीशीज़ खत्म होती जा रही है हमें उन्हें सेव करना है ज़्यादा दिन जस्ट वॉचिंग द वीडियोज़ अबाउट नेचर पीपल शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट नेचर सिर्फ नेचर के वीडियोज़ देखना और खुश हो जाना कि वाह हमारा नेचर ऐसा था उससे काम नहीं चलेगा वी हैव टू टेक सम स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आर नेचर एंड दैट इज़ द मैसेज दैट दिस पोम गिव्स अस अब आते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस पे इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं सबसे पहला होता है कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है जब कोई कॉन्सोनेट का साउंड रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस तो अगर आप इस पोम में देखोगे इन लॉस डांसिस क्वेन्स घोस डांस क्वेन्स डांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस स का साउंड रिपीट हो रहा है हर जगह क्रेन्स डांसेस गोस्ट डांस क्रेन्स यू नो तो यहाँ पे स का साउंड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है और इसमें ये एलिट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर से नहीं हो रहा है बस उस स का साउंड रिपीट हो रहा है और स जो है एक कॉन्सोनेंट है इसलिए इसे हम कॉन्सोनेस कहेंगे दूसरा है एलिट्रेशन इफ यू कैन सी विल वॉच वंडर्स वर्ल्ड डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है तो हमारी सेकेंड जो पोइटिक डिवाइस में यूज हुई है वो है अलिट्रेशन थर्ड है मेटाफो मेटाफो क्या होता है जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता आप किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कंपेयर कर रहे हो विदाउट यूजिंग द वर्ड एज ऑल लाइक द मूवमेंट ऑफ द लॉन्ग आर्म्स ऑफ द मैकेनिकल क्रेन्स ये जो मशीन के जो वो टू एंड फ्लो मूवमेंट है उसको वो डांस से कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड एज अ लाइक सो इसीलिए इसको मेटाफॉर कहा गया है अब इसमें आयदनी क्या है लास्ट में आयरनी मतलब जो आप करते हो उसको मतलब जो आप सोचते हो उसका एकदम ऑपोजिट होता है या जो आप कर रहे हो उसका एकदम ऑपोजिट जो है रिएक्शन आ रहा है इसका मतलब जो आपने कुछ सोचा था हुआ कुछ और लोग जो हैं उन्होंने ही सारा एनवायरनमेंट जो है डिस्ट्रॉय किया है अब वही उस एनवायरनमेंट की जो पहले की वीडियो है उसको देख के सरप्राइज और खुश हो रहे हैं सो पीपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट मोन इट्स लॉस विदाउट डूइंग एनीथिंग टू रिस्टोर इट जो लोग हैं जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया डिस्ट्रक्शन किया है वही इसके डिस्ट्रक्शन uh, को मोन कर रहे हैं मतलब वो बहुत दुख मना रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे उसे रिस्टोर करने के लिए नाउ दैट इज द आयरनी क्लियर So that's it. Here we are done with all the with the explanation part, summary, theme, message, rhyming scheme, and the poetic devices. I hope your poem was very very easy. Thi. The only thing is that you have to have your imagination open. Now, in our next video, what we are going to do? We are going to start with the question answers of this chapter. Okay. So I'll See you in my next video. Stay tuned if you understood the explanation. Do not forget to like, share, and subscribe. Take care of yourself. Bye.